हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल और जो ये चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या कंप्यूटर सेक्शन हो, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। तो अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी फेज लेवल एग्जाम, सीपीयू का एग्जाम, तो और उन सब के लिए ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आगे अभी जो है आपका जनरल अवेयरनेस का सेकेंड पार्ट हम करते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड इफ यू वॉन्ट द पीडीएफ ऑफ दिस, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं टेलीग्राम चैनल में उसको पोस्ट कर दूं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है इसमें से जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा फाउंड किया गया? सो इट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, और इट इज अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन वाराणसी, यूपी, और 1916 को फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द फोर्थ ऑप्शन, भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो इन जो इंडियन ऑथर हैं किरण देसाई, उनके द्वारा ये किरण देसाई, शी इज द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस, और 2006 में पब्लिश की गई थी वो बुक। तो ये है इंडियन ऑथर किरण देसाई हैं इसकी ऑथर। आगे हम इस बढ़ते हैं, व्हाट, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following dance form is influenced by बिहू dance form? बिहू, इनमें से कौन सा dance form है जो कि influenced हुआ है बिहू dance form से? आंसर है सत्रिया। और महापुरुष संकरा देवा, जो कि एक असम के वैष्णव सेंट थे, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था। महापुरुष संकरा देवा, असमीज वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर हु इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांस, सत्रिया इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। सो मूविंग अहेड, लेट अस सी व्हाट इज इन द स्टोर फॉर अस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट कॉमनली अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स मोस्टली अराउंड द एज ऑफ वीनिंग थ्रू द एज 5? तो कौन सा एक है माल न्यूट्रिशन वाला एक डिजीज जो कि बहुत इन्फेंट्स और टॉडलर को अफेक्ट करता है? वो है क्वाशियरकर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है कि द लेड क्रोमेट विच इज टॉक्सिक एंड कार्सिजोनिक, बहुत ही डेंजरस एक एलिमेंट है दैट इज लेड क्रोमेट, तो उसको किस चीज के अड किसके साथ मिक्स किया जाता है अडल्टरेट करने के लिए? तो वो है टर्मरिक के साथ, टर्मरिक जो हल्दी होती है उसके साथ। जो ये लेड क्रोमेट है वो एक येलो पिगमेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की ब्राइटनेस बढ़ाता है। तो बांग्लादेश और बहुत सारे प्लेसेस में अडल्टरेशन फाइन, ये इट वाज फाउंड दैट दे वर अडल्टरेटिंग लेड क्रोमेट विद टर्मरिक। तो इससे क्या होता है, जो अगर वो जो कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली उनका न्यूरो डेवलपमेंट और उनका ब्रेन, हार्ट सब में इंपैक्ट होता है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस सब्सटेंस एंड दैट इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स येलो कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द येलो पिगमेंट दे एड इट विद द टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक मतलब हल्दी। आगे देखते हैं, इन 1856 गवर्नर जनरल डैश डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स। मतलब वो बस बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल किंग होंगे, उनके बाद कोई उनका जो पुत्र हैं या जो भी हैं वो किंग्स नहीं आइडेंटिफाई होंगे, दे विल बी जस्ट नोन एज द प्रिंसेस। तो ये किन्होंने बोला था? कैनिंग। सो द गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड, दिस वॉज कैनिंग्स डिसीजन। सो मूविंग अहेड,
All the questions are very, very important. The fundamental duties are addressed to the citizens. It is addressed to the citizens. So the answer is this. So let us move ahead. In which year India hosted the ICC T20 World Cup cricket for the first time? So I know that most of you already know the answer. 2016 mein tha when India hosted the ICC T20 World Cup for the first time, is it not? So let us move ahead. Which of the following is the radioisotope of hydrogen? So answer hai tritium. Tritium hai. Tritium, deuterium, or tritium ko aur hydrogen 3 bhi bolte hain. Hydrogen 3. Yes. Okay. Aur deuterium ye hai hamare isotopes of hydrogen. In which in ye to kar liya tha. The Godfather of Soul is an autobiography of Dash, who was one of the great singers. The Godfather of Soul, it is an autobiography of James Brown, and he was one of the greatest singer. So the answer is nothing but option D, that is James Brown. So that will be the correct answer. Moving ahead, let us go to the next question. In which year the famous sitar player Pandit Ravi Shankar awarded the Bharat Ratna? Kaun se year mein diya tha? Aise questions bahut aate hain. It becomes confusing also. So 1999 mein hua tha, jabki unko Bharat Ratna se sammanit kiya gaya tha. The emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office is charged on dash fund of India. So it is the consolidated fund. Waise hi iska jo charge hai hamare jo जज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी भी कंसोलिडेटेड फंड में ही होती है. यस इट इज एडेड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो यस द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन डिसॉल्व द नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम? तो एक्वा रेजिया होता है, वो एक येलो ऑरेंजिश फ्यूमिंग लिक्विड है. फ्यूमिंग लिक्विड है जो कि वो क्या करता है, डिसॉल्व कर सकता है नोबल मेटल्स गोल्ड प्लैटिनियम को. एंड ये किसके मिक्सचर से बनाया गया होता है एक्वा रेजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड. इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3. So, इस रेशियो में इसको मिलाकर एक एक्वारीजिया एक कंपाउंड है, विच इज इट इज अ लिक्विड विच कैन डिसॉल्व ऑल द नोबल मेटल. सो अगेन व्हाट इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3. तो वो था इसका आंसर. तो ऑप्शन 2 है एक्वारेजिया. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट to convene a joint sitting of both the houses of the parliament? So wo hai article 108. So the answer will be option C, 108. In which of the following year Sikandar Lodi founded Agra? So 1504 CE mein Sikandar Lodi founded Agra. Moving ahead. Compounds with exactly two carbon-carbon atoms are known as two carbon-carbon होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Dienes. Dienes. So answer will be dienes. अगर terpenes क्या होते हैं? वो तो एक group of organic compound होते हैं जिनका formula generally क्या होता है? C5H8N और n की value generally 1 से greater होती है. तो compounds with exactly two double carbon होते हैं वो है होते हैं हमारे dienes. अगर triple होते हैं तो नहीं होते थे alkynes. ठीक है alkynes. When we talk about triple, तो double में तो ions होते हैं alkenes. I hope you remember alkenes. Triple में alkynes. तो इसमें answer होगा dienes. Now the claim for swarajya or self government within the British Empire on the model of self-governing colonies like Australia and Canada was put forward from the Congress platform in 1905 by kisne kiya tha swarajya self-government ke liye? Wo hai Dada Bhai Nehru ji, the grand old man of India. So Dada Bhai Nehru ji ke dwara ye for the claim for swarajya and self-government within the British government was given. Dada Bhai Nehru ji.
अब हम जब आप ये बात करते हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूटिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द म्यूजिक घराना, सो वी हैव टू रिमेम्बर द घरानाज एज वेल। तो ये जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं वो थे सेनिया घराना से, सेनिया। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। विच व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइड एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन? सो दोज ड्रग्स आर नोन एज एंटागोनिस्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, एंटागोनिस्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां? तो शाहजहां के सबसे बड़ा जो बेटा थे, दारा शिको। यस, दारा शिको वॉज द सक्सेसर ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां टू द थ्रोन। सो दारा शिको विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यू राइट्स वेर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? तो सात थे तब, अब कितने हैं? अब छह हैं। क्यों? क्योंकि 1978 के 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था, नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स 1978 में। तो 1950 में जब था तब तो सात थे, है ना? उसके बाद एक रिमूव हो गया, अब छह हैं। सो अब है हमारा नेक्स्ट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरिता किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है, एंड इन विच लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बोनालू, यस, ठीक, करेक्ट हो रखा था। तेलंगाना में ही मनाया जाता है, ये जो हैदराबाद है वो सब जगह में मनाया जाता है, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। सो दैट इज द आंसर, एंड लेट अस मूव अहेड। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। थुलल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज केरला। थुलल डांस इज फ्रॉम केरला। ओके ओके। सोपरकर एंड द लोगो ऑफ हिज वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव डांस फॉर अ कॉज। सो इंडियन कोरियोग्राफर हैं दिलीप सोपरकर, आई थिंक। सो उनका एक लोगो जो डांस फॉर अ कॉज वाज प्रिंटेड एज एन ऑफिशियल पोस्टेज स्टैम्प इशूड बाय विच गवर्नमेंट? तो वो है भूटान गवर्नमेंट, क्योंकि बिकॉज लॉट्स ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड बाय हिम टू द पीपल आउट देयर। ठीक है, तो ये है आंसर, भूटान होगा इसका आंसर। तो लेट अस मूव अहेड। Okay, so these are the questions for today. If you liked the questions, so I will be providing the more questions till I think the exams are starting from 25th. So अभी भी जितने दिन हैं, हर दिन अगर आपको चाहिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, मैथ्स के रिवीजन पार्ट, सो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड जस्ट गिव सम कमेंट्स ऑल्सो। सो इफ यू आर लाइकिंग, डेफिनेटली मोटिवेट मी सो दैट आई कैन कम अप विथ मेनी मोर सजेशन। सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, गॉड ब्लेस।